प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। राजनपुर नाम के एक नगर में सेठ गंगाराम अपने दो बेटे मनीष व राजेश और पत्नी सुमित्रा के साथ सुखपूर्वक रह रहे थे। हालांकि पहले वो उतने सुखी नहीं थे, काफी गरीबी में उन्होंने अपना जीवन बिताया था। गरीबी के दिनों में सेठ गंगाराम भगवान शिव की बहुत भक्ति किया करते थे और अमीर बनने के लिए रोजाना भगवान से मन्नत मांगते व प्रार्थना किया करते थे। भगवान की कृपा से वो सुखी हो भी गए। सेठ गंगाराम ने साड़ी का व्यापार शुरू किया जिसमें उन्हें खूब फायदा होने लगा और दिन दुगनी रात चौगनी वो प्रगति करने लगे। लेकिन जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया, भगवान के प्रति उनकी आस्था कम होती चली गई। सुमित्रा ने सेठ गंगाराम से कहा, आप पहले भगवान की कितनी पूजा करते थे, लेकिन अब तो आप उनका नाम तक नहीं लेते हैं। अब इतना समय कहाँ है मेरे पास कि भगवान की भक्ति करूं? काम से ही फुर्सत नहीं होती। सेठ गंगाराम दिन रात अपने व्यापार के काम में ही लगे रहते थे, भगवान की तरफ उनका ध्यान कभी जाता ही नहीं था। उनकी पत्नी उन्हें बार बार इस बात का एहसास दिलाती थी, लेकिन उन पर उसका कोई असर ही नहीं होता। आप भूल रहे हैं कि जब हम गरीब थे तब भगवान शिव की कृपा से ही आपको व्यापार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। भगवान शिव ने ही आपको सपने में आकर कपड़े का व्यापार करने को कहा था। गंगाराम, ओ गंगाराम। भगवान आप, हे प्रभु, आप मेरे सामने साक्षात हैं। क्या ये सच है कि मैं आपको अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ? मैं तो धन्य हो गया प्रभु। कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है आपकी? भगवान शिव गरीब गंगाराम के सपने में कहते हैं, गंगाराम तुम अपना कपड़ों का व्यापार शुरू करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा व्यापार अच्छा चलेगा और तुम धनवान बन जाओगे। लेकिन प्रभु, मैं कोई व्यापार कैसे शुरू कर सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, कल तुम्हें घर में एक पोटली में कुछ पैसे मिलेंगे, उसी से तुम व्यापार शुरू करो। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। सेठ गंगाराम वर्तमान में अपनी पत्नी से कहते हैं, हाँ मुझे याद है, उसी पैसों की मदद से मैंने अपना व्यापार शुरू किया था। तो फिर अब भगवान को क्यों भूल गए हैं आप? अगर वो नाराज हो गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। सेठ गंगाराम अपना दुकान संभालते थे और उनके दोनों बेटे विदेश में कपड़ों की सप्लाई करने का काम देखते थे। सुमित्रा ने गंगाराम से कहा, सुनिए जी, कल शिवरात्रि है, मैं मंदिर जाऊंगी, आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मंदिर जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत घाटा हो जाएगा, मैं मंदिर नहीं जा सकता, तुम चली जाना। अच्छा ठीक है, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में पूजा करवा लेते हैं, पंडित जी को बुलाकर हवन करवा लेते हैं। नहीं नहीं, इसमें तो फालतू का बहुत खर्चा हो जाएगा, पंडित जी को दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, हम पूजा नहीं करवा सकते। गंगाराम की बातें सुनकर सुमित्रा चुप रह गई। एक दिन गंगाराम के छोटे बेटे ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, पिताजी मुझे अच्छे से याद है कि आपने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर आपका व्यापार अच्छे से चलता रहेगा तो आप मंदिर में सोने के त्रिशूल चढ़ाएंगे। तुम भी अपनी माँ के जैसे हो गए हो, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरी मेहनत की वजह से ये व्यापार चल रहा है, बेकार की चीजों पर पैसा खर्च करने से क्या होगा, यही पैसा अगर व्यापार में लगाएंगे तो यही पैसा दुगना हो जाएगा। आप अपनी ही बात कहीं भूल गए हैं, मुझे तो डर है अगर भगवान शिव नाराज हो गए तो उनके क्रोध से हमारे परिवार को कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहने के बाद वो घर में बने भगवान शिव के मंदिर के पास बैठकर उनसे प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ इन्हें माफ कर देना, पैसों की चमक के आगे इन्हें आपका तेज भी दिखाई नहीं देता है, मैं अवश्य ही आपके मंदिर में त्रिशूल चढ़ाऊंगी। गंगाराम सुमित्रा की बात सुन लेते हैं और गुस्से में आकर कहते हैं, खबरदार, जो एक भी पैसा खर्च किया तो मुझे फालतू के कामों में पैसे नहीं खर्च करने हैं, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। गंगाराम की बात को भगवान शिव भी सुन रहे थे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखिए देवी, कैसे मेरे इस भक्त को धन का अहंकार हो गया है। हाँ प्रभु, अब आप कैसे उसे सही रास्ते पर लाएंगे? भगवान शिव मुस्कुराते हैं और गंगाराम की तरफ देखने लगते हैं।
जो अपने काम में व्यस्त रहता है। देवी, इसे संभालने का मैं एक और मौका तो अवश्य दूंगा। अगले दिन भगवान शिव एक ब्राह्मण का वेश धारण कर सेठ गंगाराम की दुकान पर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव कहते हैं, बेटा मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है, इसलिए उसके लिए कुछ कपड़ों की खरीदारी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो बड़ी कृपा होगी। इसके बदले मैं आपके लिए आपके भगवान शिव की पूरे 7 दिनों तक पूजा करूंगा, जिससे आपके ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहेगी, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। पंडित जी की बात मान लीजिए पिताजी, इससे आपको मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी और आपको पुण्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो कुछ नहीं समझता, ये सब बस एक चाल है, ये मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो इसकी बातों में आ जाऊं। भगवान शिव नाराज होकर मेरा भला क्या हित करेंगे? नहीं नहीं, मैं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला, पूरे पैसे लेने के बाद ही मैं ऐसे कपड़े दूंगा। मान जाइए सेठ जी, एक गरीब कन्या के विवाह का पुण्य भी आपको ही मिलेगा और मैं पूरी ईमानदारी से आपके लिए पाठ करूंगा। देखिए पंडित जी, मैंने आपसे कह दिया कि मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, कहीं और जाकर कोशिश कीजिए। मूर्ख सेठ, भगवान शिव ने तुम्हें पश्चाताप करने का एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे भी गवा दिया, अब तुम्हें उनके प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। ये कहने के बाद ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव वहाँ से चले गए। रात को जब सेठ गंगाराम अपने घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी सुमित्रा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप धन दौलत की चकाचौंध में अंधे हो गए हैं, आपने ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है कि भगवान शिव स्वयं आपकी परीक्षा लेने आए हों। आप अपना भला चाहते हैं तो तुरंत उस पंडित जी को ढूंढ के ले आइए। सुमित्रा ने गंगाराम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उस रात को बहुत तेज आंधी आई। सुबह को जब गंगाराम अपने दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका दुकान आंधी की वजह से टूटकर पूरी तरह से गिर गया था। ये सब देखकर उसने अपना सर पकड़ लिया, जैसे तैसे करके कुछ दिनों में दुकान की मरम्मत करवाई और फिर से काम शुरू किया। तो एक दिन के बाद ही न जाने कैसे दुकान में आग लग गई, जिससे उसके सारे कपड़े जलकर राख हो गए। अब तो गंगाराम की हालत और खराब हो गई, दोबारा से इतना बड़ा नुकसान उसके लिए आफत बन गया। फिर भी किसी तरह से फिर से माल मंगाकर काम शुरू किया। तो 2 दिन के बाद उसके दुकान में रात को चोरी हो गई, चोरों ने सारे माल गायब कर दिए। गंगाराम सुबह को दुकान पर आकर कहता है, हे भगवान, मैं तो लूट गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। परेशान होकर रोते हुए गंगाराम अपने घर आया। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, लेकिन आप है कि समझने को तैयार ही नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के नाराजगी की वजह से हो रही है। अब तो संभल जाइए, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लीजिए। गंगाराम रोने लगा, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम सच कह रही हो सुनेत्रा, मैं पैसों की चमक में अंधा हो गया था, मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी, भगवान शिव की कृपा को भूल गया था, मेरे अंदर अहंकार ने घर कर लिया था, जिसकी वजह से मैं ये तक नहीं समझ सका कि जो मुझे दे सकता है वो मुझसे छीन भी सकता है। उनके तेज को मैं समझ ही नहीं सका, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। कोई बात नहीं, देर से ही सही, आपको बात समझ में तो आई। उसी रात को सेठ गंगाराम अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ गांव के मंदिर में पहुंचे। सुबह को मंदिर खुलते ही वो भगवान शिव के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। हे भगवान, मुझ पापी को माफ कर दो, मैं आपकी माफी लायक तो नहीं, लेकिन मुझे क्षमा करने की कृपा करो भगवान, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा, मुझे ज्ञान दो भगवान। तभी भगवान शिव साक्षात वहां प्रकट हुए। तुम्हारे मन में आ चुके लालच और अहंकार को खत्म करने के लिए ही मुझे ये सब करना पड़ा, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ, तुम्हारी दुकान पहले की तरह नए वस्त्रों से भर जाएगी और पहले की तरह ही तुम्हारा व्यापार अच्छे से चलने लगेगा। प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मैं सिर्फ आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, आज से तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त होगी,
और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ गंगाराम ने अपनी सारी संपत्ति और व्यापार की जिम्मेदारी अपने दोनों बेटों को दे दी और पत्नी के साथ भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए।